अब रजिया, मैं सोनिया बात कर रही हूँ, जरा अम्मा से तो मेरी बात करवाना। नहीं जी, वो थोड़ी देर पहले लेटी थी, फिर खर्राटे लेने लगी और फिर गहरी नींद सो गई। आप कहें तो उठा दूं। नहीं, रहने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अम्मा ने दवाई ली थी? हाँ जी, दे दी थी, जिस तरह से आपने कहा था ना उसी तरह से दी थी। ठीक है। अच्छा सुबह अम्मा उठे ना तो मेरी बात करवा देना। हाँ जी ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने उनका चेकअप नहीं किया था। मैंने उनसे कहा भी था कि चेकअप करवा ले, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं और से करवा लिया है। देखें, मैंने उन्हें कोई मेडिसिन लिख कर नहीं दी, हालांकि वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। जब मैंने उनका चेकअप ही नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन कैसे लिख कर देती। अलबत्ता मुझे उस दिन एक बात पता चली थी कि मेरे स्टाफ में से किसी ने किंजा की मदद की थी और कोई दवाई लिख कर दी थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं गिंजा को बहुत डिसेंट खातून समझती थी। पता नहीं उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने मेरे स्टाफ से मदद ली। आपकी साजिश की वजह से मेरा बच्चा आज नहीं है, आपने मेरा बच्चा खाया है। फलक, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम तैमूर से झगड़ा मत करो प्लीज। आप क्यों माफी मांगेंगी इससे? क्या किया है आपने? गलती तो उसकी है जो घटिया हरकत की है। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैं कसम खाती हूँ कि फलक झूठ बोल रही है, और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर, सब कुछ बर्बाद।